खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से बीजेपी को ललकारा, कहा 2024 में फिर बनाएंगे सरकार। खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने सोमवार को सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन खरसावां पहुंचे, जहां शहीद वेदी पर उन्होंने खरसावां गोलीकांड के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री चंपाय सोरेन, जोबा मांझी विधायक सविता महतो, दीपक बिरवा, दशरथ गागराय, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वही श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया, जहाँ मंच से मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड जब नवजात शिशु था, तभी झारखंड गलत हाथों में चल गया, जिसका खामियाजा आज राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस वक्त झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ, तब राज्य का खजाना खाली नहीं था। 2019 से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने यहाँ के जल, जंगल और जमीन को लूटने का काम किया। हमारी सरकार जब सत्तासीन हुई, तब से हमने आदिवासियों को उनका हक और अधिकार देना शुरू किया है, जिससे उनके पेट में दर्द होने लगी है और झारखंड सरकार को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं। मगर झारखंड के युवा अब जागृत हो चुके हैं, उनके हर मंसूबों पर पानी फेरने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने मंच से विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि 2024 राजनीतिक उठापटक का साल रहेगा, ऐसे में हमें एकजुटता दिखाते हुए फिर से सरकार बनानी है। वहीं शहीद स्थल से कुछ ही दूरी पर शहीद किसान मेले के आयोजन पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की जमकर आलोचना की और कहा कि आज के दिन हम सभी शहीद दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं, मगर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने इसका रूपरेखा ही बदल दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहीदों का अपमान किया है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने देश भर के आदिवासियों को एक होने की अपील करते हुए कहा कि देश में करीब 150 लोकसभा सीट एसटीएससी के लिए आरक्षित हैं। जिस दिन आदिवासी व दलित एक हो गए, ये देश की सत्ता में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो इस राज्य पर बुरा नजर डालेगा, उसे झामुमो नहीं छोड़ेगी। यहां के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। खरसावां से दीपक महतो की रिपोर्ट, छोड़ नागपुर लाइव। हमारे विपक्ष के लोगों ने तो यहाँ के या देश का आदिवासी को तो आदिवासी कभी माना ही नहीं। हम आदिवासियों को उनको आदिवासी कहने में लाज लगता है। इसीलिए ये लोग हम आदिवासियों को वनवासी बोलता है। ये वनवासी कहाँ होता है भाई? हमको समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। ये समझ सिर्फ 19 लोगों के बीच में है। और बड़ा दुख होता है कि कुछ हमारे ही समाज के कोई सोरेन, कोई मुंडा, कोई बोदरा, कोई बिरवा, कोई मरांडी, इस टाइप के लोग उनके जमात में भी शामिल है। हो मुंडा सोरेन उरा होने से आदिवासी हक की बात आप वहां बैठ के नहीं कर सकते हैं। आप वही करेंगे जो आपका आका बोलेगा। और वो आका क्या बोलता है कि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से उजाड़ दो, और हो भी वही रहा। खरसवा कहीं हमारे कई आंदोलनकारी लोग डबल इंजन की सरकार में इसी प्रेरणा स्थल, शहीद स्थल में किस तरीके से प्रशासन सरकार के साथ गुत्थम गुत्थी हुआ, वो आप लोगों ने देखा। इसका बहुत लंबा समय नहीं, हाल फिलहाल का बात है, 3-4 साल पहले का बात है। पत्थलगढ़ी को लेकर किस तरीके से यहां के लोगों को, आदिवासी समाज को तोड़ने का प्रयास हुआ, कई लोग पुलिस प्रशासन का गोली से मारा भी गया। जब ऐसी गंद स्थिति पूरे राज्य में बनी थी, पूरा गांव गांव नदी पहाड़ जंगल से चारों तरफ ऐसा भयावह और ऐसा डरावना स्थिति बनने लगा, फिर हम लोगों ने, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, हम लोग तो कसम ही खाया है इस राज के लिए कि जो इस राज पर बुरा नजर डालेगा, उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं छोड़ेगा। यहां के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ
खेलवाड़ करने का इजाजत हम लोग नहीं देते। और आज 2019 में जब चुनाव हुआ, आप लोगों के आशीर्वाद से आज ये सरकार बनी, आपने यहां हमें बैठाया है और आज उसका नतीजा है कि जितने के ऊपर केस लदा था वो सारा केस खत्म हो गया, नहीं तो आज वो जेल में सड़ रहे होते या मार दिए गए होते। बहुत बड़ा षड्यंत्र हम आदिवासी समाज के बीच में चल रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग चेहरा मोहरा लगा करके लोग हमारे इर्द गिर्द हमें अलग थलग करने का षड्यंत्र रचने में लगे हैं। आज ही देखो, कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे जीवन काल में, तो हमने कभी नहीं देखा कि शहीद दिवस के दिन कोई मेला लगा हो। मजाक बना दिया इन लोगों ने। राज जब जन्मा, ये नवजात बच्चा जब ये झारखंड था 2000 ईस्वी में, इसको दूध पिलाने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए जो जिम्मा मिल गया, ये उन्हीं लोगों को मिल गया जो इस राज के घोर विरोधी थे। और मुखिया लोग कौन कौन था आप लोगों ने देखा। और 20 साल में यह हालत बना दिया इन लोगों ने कि राज में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मर गया, किसान आत्महत्या करने लग गया, यह हालत हो गया। इधर आंदोलन का भी सुगबुगाहट होते रहता था, जहां तहां कभी कुछ कभी कुछ, इधर एक केस करो उधर केस करो, यही सब चलता था। बड़ी मुश्किल से 30 साल 40 साल के बाद राज मिला था। आदरणीय दिसम गुरु शिवू सरन जैसे लोग बचपन भी इस राज के लिए दिया, जवानी भी दे दी, आज वो बुजुर्ग के अवस्था में है। नहीं तो ऐसा नहीं था खरसवा शहीद दिवस में वो नहीं शामिल हुए, वो भी शामिल हुए, लेकिन आज उम्र के एक पड़ाव पर हैं। लेकिन आज हम आदिवासी समाज के नौजवानों को ये समझना होगा कि कौन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे विपक्ष लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत पढ़ा लिखा पैसा वाला सब चीज से सुखी संपन्न लोग, देश के ऊंचे ऊंचे पदों में बैठे हुए लोग हैं इनके, और ऐसे ऐसे आपको बात बताएंगे कि लगे कि सही ठीक बोलता है, और हम हर चीज से कमजोर। जब बड़ा आदमी कुछ बोलता है तो बूझता है कि हाँ अच्छा ही बोल रहा होगा, लेकिन ये लोग इतना चतुराई से हमारे हक अधिकार लूटने पे लगे हैं। पहले तो राज लूट रहे थे, अब देश लूटने में लगे हैं। हम अब जब सरकार में आए तब हम लोग ने देखा कि सरकार के अंदर हुआ क्या भाई 20 वर्ष में। ये नवजात झारखंड जब जन्म लिया था उसमें सरप्लस बजट था इस देश का, इस राज्य का, मतलब उस अलग राज बना तो पैसा कौड़ी लेके आया था, लेकिन 20 वर्ष में वो पैसा
इन लोगों ने खा के खत्म कर दिया। नतीजा आज घाटे के बजट में सरकार चलती है। कहां चला गया पैसा? ये तो लेके आया था अपना पैसा और अपना जेब तो भरा ही भरा, इस राज को कमजोर भी कर दिया और अभी आरोप लगाते हैं हम पर, हम भ्रष्टाचार हैं, हमने लूट ली झारखंड। बहुत विचित्र है, मतलब ये लोग ना, ये लोग देश आजादी में इनकी कोई भूमिका, ना राज्य अलग करने की भूमिका में कोई इनका भूमि अदा किया, और लेकिन राज करने का काम तो खूब किया ये लोग। आप लोगों ने देखा, हम लोग सरकार बनाए तो सरकार बनते ही कोरोना कोविड जैसा महामारी आ गया, सुखाड़ भी आ गया। कोरोना कोविड किस तरीके का वक्त था वो बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग को भी समझ में नहीं आया कि हम लोग करें तो क्या करें। लाखों लोग अलग अलग राज्य में फंसे रहे, लॉकडाउन हो गया, आने जाने का सारा रास्ता बंद, काम धाम हाट बाजार दुकान सब बंद। तो मुझे हल्का कुछ याद आता है कि कोल्हान क्षेत्र के भी कई लोग दूसरे राज्यों में फंसे थे। उस समय भी हमने बताया था कि ये देश का पहला राज्य बना जहां हिम्मत करके हम अपने मजदूरों को ढो ढो करके घर पहुंचाने का काम किए थे। और ये लोग बोलता था कि हवाई जहाज वाला को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, हवाई जहाज पर तो चढ़ाया नहीं लेकिन सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमने अपने वही हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर भाई को हवाई जहाज में ला करके घर आपके पहुंचाने का काम किया था। मेरा देखा देखी बाकी राज भी अपनाने लगा। हम लोग हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपने झारखंडी भाइयों के साथ, चाहे वो धूप गर्मी बरसात हो, सरकार बने ना बने उसकी चिंता नहीं, लेकिन झारखंड के लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं है। तो आज हम लोग का जो भी थोड़ा बहुत वक्त मिला, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग के पंचायत पंचायत गांव गांव टोला टोला में सरकारी कर्मचारी जा जा करके, जहां सड़क नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, वहां पर कोई ट्रैक्टर में, कोई बैलगाड़ी में, कोई मोटरसाइकिल में, ब्लॉक ऑफिस का कंप्यूटर ले जा करके, प्रिंटर ले जा करके दिन भर बैठ करके आपकी समस्याएं सुन रहा था। और आज उन कैंपों का आवाज जो हमारे कान तक पहुंचा, और हमने सरकार बनने से पहले भी कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर एयर कंडीशन कमरा से नहीं चलेगा, ये सरकार गांव से चलेगा। ২০২১ में हम लोगों ने 40 दिन का 45 दिन का शिविर लगाया, 2022 में भी 30-35 दिन का शिविर लगाया, अभी 2023 में भी कल परसों खत्म हुआ है 30-35 दिन का शिविर लग करके। और आज उन शिविरों के माध्यम से एक एक समस्या जो गांव में 20 वर्षों से इकट्ठा कर दिया इन लोगों ने भरकर, उसका समाधान में हम लगे। पहला समाधान के रूप में इस राज्य के बेसहारा लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, असहाय महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, विकलांग लोगों को, आज अगर आप डिबरी लगा के खोजिएगा तो बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा।
और आज तो हमारी विधवा महिला 40 साल 50 साल हो जाता था विधवा होने के बाद फिर भी पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन आज चाहे वो 20 साल की विधवा महिला हो चाहे वो 80 साल की हो, भले विधवा ना हो भगवान ना करे, आज सभी विधवा महिलाओं को हम पेंशन देते हैं, कोई नहीं बचा। और अभी तो थोड़ा सा और वर्तमान स्थिति को देखकर हमारे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक तकलीफ को देखकर आदिवासी दलित का जो उम्र सीमा जो 60 साल का था, जो हमने लगाया था कि 60 साल से उम्र के अधिक लोगों को सबको पेंशन देंगे, उसको भी घटाकर 60 साल की जगह हम आदिवासी दलित के लिए 50 साल कर दिए। अब 50 साल में ही मिलेगा। अच्छा बताओ भाई, 60 साल का बूढ़ा को कोई काम देगा? कहीं बाजार में उसको कुछ काम मिलेगा? तो ऐसे ही बेचारा मरा हुआ। तो हम बोले ये तो गड़बड़ हो गया लगता है। तो हम बोले देखो खजाना कितना है, खजाना भी देखना पड़ता है अपना, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरा खखोर के निकाल लिया। तो हमको पता चले कि नहीं थोड़ा बहुत तभी राहत दिया जा सकता है, तो हमने उम्र सीमा घटाई। हक अधिकार की बात करो, राज की बात करो, सब में लाठी डंडा झारखंड के लोगों को। 1,36,000 करोड़ रुपया सिर्फ कोयला कंपनी से हमारा भारत सरकार ने बकाया, वो पैसा नहीं देते, लेकिन डीवीसी यहां पर स्थापित है, केंद्र सरकार की कंपनी, जमीन हमारा, पानी हमारा, कोयला हमारा, बिजली भारत सरकार का, 1 रुपया अगर बकाया निकलता है तो बिजली काट देता है, और जब मेरा बकाया है तो पैसा देने के बजाय बड़ा बड़ा एजेंसी भेज देता है, इसका मुंह बंद कर दो भाई। जब से सरकार बना है उसके दूसरे घंटा से ये लोग सरकार गिरा रहे हैं, अजीब हालत है। ये सरकार है कि खेत में लगाया हुआ मूली गाजर है जी, जब चाहो जब उखाड़ दो। ये सरकार इस राज्य की जनता ने बनाया है और इसकी जड़ इतनी मजबूत है, सरकार क्या कबाड़ोगे, कबाड़ खुद जाओगे। चिंता मत की, उस सब का ये लोग बहुत बोका बुझा भाई, हम लोग को 20 साल तक बोका बनाया है ये लोग, अब झारखंड का लोग बोका नहीं बनेगा।